हरियाणा का चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं रही। तमाम विरोधाभास रहा। जिस तरीके से आपने देखा, कांग्रेस जो है वो चुनाव आयोग गई, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हुई, और अब जो है याचिका भी दायर कर दी गई। क्या याचिका है, पूरा मामला क्या है, सब कुछ बताएंगे। उससे पहले आपको बता दे, हरियाणा में बीजेपी यूं तो आपसी कलह को पाटते हुए सरकार बना ली। कहा जा रहा था कि तीन जो चेहरे थे उनके संपर्क में किसी के पास 12, किसी के पास 15। हरियाणा के अंदर बीजेपी पार्टी ने साठगांठ लगाकर सरकार तो बना ली, लेकिन अब इस वक्त दोस्तों हरियाणा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफी बड़े एक्शन दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जो है सड़कों पर धरना प्रदर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि हरियाणा के अंदर जो 20 सीटों पर ईवीएम पकड़े गए जो 99% चार्ज थे, उन 20 सीटों पर दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे। किस तरह से भानु प्रताप सिंह और महमूद पराचा जो के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है दोस्तों, वो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, और किस तरह से मोदी सरकार को एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हरियाणा का चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं रही। तमाम विरोधाभास रहा। अग्नि परीक्षा से कम नहीं देखा। कांग्रेस जो है वो चुनाव आयोग गई, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हुई, और अब जो है याचिका भी दायर कर दी गई। क्या याचिका है, पूरा मामला क्या है, सब कुछ बताएंगे। उससे पहले आपको बता दे, हरियाणा में बीजेपी यूं तो आपसी कलह को पाटते हुए सरकार बना ली। कहा जा रहा था कि तीन जो चेहरे थे उनके संपर्क में किसी के पास 12, किसी के पास 15 विधायक है, लेकिन चाणक्य अमित शाह की हरियाणा में लैंडिंग होती है और चाणक्य नीति अपनाते हुए अमित शाह जो है तीनों को मना लेते हैं और जो है सरकार बन जाती तीनों है। को मना लेते हैं। विरोध हो रहा था, चुनाव आयोग में सवाल उठाए जा रहे थे, बैटरी जो 99% थी उसको लेकर के सवाल, और 20 जो सीट है उस पे कांग्रेस दोबारा चुनाव करने की मांग जो है चुनाव आयोग से रखा। कांग्रेस जो है नायब सैनी की वो वीडियो जो पहले वायरल हो रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि हम सारी व्यवस्था कर लिए हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं, तमाम विरोधाभास चला, उसके बाद भी शपथ ग्रहण हुआ और सरकार बनाई जा रही है। लेकिन उस बीच बीजेपी की राह अभी आसान दिखती नजर नहीं आ रही है, राह मुश्किल हो गई है। जिस तरीके से आपको बता दे, सीजीआई रिटायर करने वाले हैं, सीजीआई ने कहा है कि एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। क्या बयान सीजीआई का आया है वो बताएंगे। एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जो है इस मामले में कूदे हुए हैं। याचिका दायर हो गई है और जो है वो कहा जा रहा है कि 20 जो सीट है उस पे चुनाव रद्द कराए जाएंगे। अगर सोचिए, अगर चुनाव रद्द हो जाए 20 सीट पे तो सरकार धराम हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी और 20 चुनाव पे फिर से चुनाव होगा, उस नतीजे बुरी तरीके से सरकार गिर जाएगी 20 सीटों पर। हो जाता है जैसा सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप, महमूद प्राचा, धनंजय कई वकील हैं, वकीलों की एक टीम है सुप्रीम कोर्ट की जो इस मामले को लेकर लगातार याचिका दायर कर रही है, उनकी खारिज हो रही है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे कर रहे हैं, मामला थमा नहीं है। कांग्रेस हालांकि जो है चुप्पी साध ली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है वो चुप्पी साधने वाले नहीं है। क्या कुछ मामला और चंद्रचूड ने रिटायरमेंट साधने वाले नहीं है, जिससे आशा की किरण जो है वो जाग गई है, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले चंद्रचूड का बयान ही आप देख लें जिससे आशा की किरण जागती है, फिर आते हैं याचिका पे। देखिए सुनिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, लेकर चिंताओं में भरा हुआ है। मैं खुद से सवाल पूछता हूँ कि क्या मैंने व्हाट्सअप किया जो मैंने किया था, इतिहास मेरे कार्यकाल को कैसे याद करेगा। चंद्रचूड रिटायर करने वाले है, कैसे याद करेगा, अभी तक ऐसा कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जिससे चंद्रचूड को याद किया जाए। तो चंद्रचूड चाहते हैं कि अपने सीजीआई रहते हुए वो ऐसा कोई फैसला ले जिससे उनको याद किया जाए। ऐसा कौन सा फैसला है जो चंद्रचूड अब तक नहीं ले पाए और किसके दबाव में नहीं ले पाए, ये सवाल उठते हैं। रिटायरमेंट से चंद्रचूड क्या करने वाले हैं, ये भी एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको काफी लोगों झटका लग सकता है। बड़ी बात जो हरियाणा चुनाव को लेकर के लिखा है वरिष्ठ पत्रकार, उनकी बात करेंगे। उससे पहले चुनाव आयोग को जो है सीजीआई ने क्या राजीव कुमार की बात करते हैं आदेश दिए, इससे उम्मीद जागती थी कि जो याचिका जो 20 सीट पे डालने की है उस पे भी कुछ किया जाएगा। पहले उस पे देख ले क्या मामला है। चुनाव रेवड़ियों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। मतलब सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी उम्मीद अभी भी जगती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम पावर है और सुप्रीम है, तो सुप्रीम जो है सुप्रीम चुनाव आयोग को नोटिस दिया। जो चुनावी रेवड़िया जो चुनाव से पहले बांटी जाती है कि हम आपको ये फ्री देंगे, ये वो फ्री देंगे, उस पे जो है चुनाव आयोग को जो है नोटिस को सुप्रीम कोर्ट भेजने का काम किया कि आप सुनिश्चित करें कि ऐसा ना हो। तो
तो ये अच्छा कदम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। अब दूसरा याचिका पे सीधा चले आते हैं। नरेंद्र मिश्रा है, एडवोकेट है नरेंद्र मिश्रा, इनकी याचिका थी। इनकी याचिका जो है वो देखिए, ट्वीट इनका देख पा रहे होंगे आप, और खबर जो है टीवी मीडिया में इनके इनको लेकर क्या चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। याचिका इन्होंने भी याचिका डाली है, चुनाव कराना चाहते हैं वो सीट जहां ईवीएम 90% चार्ज, दोबारा से चुनाव कराना चाहते हैं 20 सीट पर। क्या है खबर, क्या देखिए, हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग, एससी में याचिका दायर, आज तक की रिपोर्ट है। दूसरा देखिए भास्कर की, हरियाणा की 20 सीटों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, याचिकाकर्ता ने दोबारा वोटिंग की मांग की। हालांकि इस याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है याचिका को खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस ये जो याचिका है, आप क्या चाहते हैं कि हम जो नायब सैनी जो शपथ ले रहे हैं उनकी शपथ रुकवा दें, आप चाहते हैं सरकार गिरवा दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ा फैसला जो अभी इस याचिका पे नहीं दिया, इस याचिका को खारिज करने का काम किया है। लेकिन हमने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जितने एडवोकेट हैं, चाहे ये मिश्रा जी हो, चाहे भानु प्रताप सिंह हो, चाहे महमूद पराचा हो, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। भानु प्रताप का ट्वीट देखिए आप, उन्होंने जंतर मंतर धरने प्रदर्शन के लिए आह्वान किया था, कल उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, पूरे दिन जो है सोशल मीडिया में ये चीज़ें छाई रही कि सुप्रीम कोर्ट के वकील धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। 20 एमएलए जो जीते हुए हैं कांग्रेस इसके बीजेपी को, उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं, फिर हरियाणा के अंदर बीजेपी के, तो ये मांग सुप्रीम कोर्ट के 20 सीटों पर दोबारा चुनाव की मांग की जा रही है। अब देखिए पत्रकार क्या कह रहे हैं इस मामले पे, कैसे जो है वहाँ पे जो विधायक रद्द करने की बात जो की जा रही है, सरकार जो है पे जो सवाल उठ रहे हैं वो क्या, देखिए कृष्णाकांत है क्या लिख रहे हैं, क्या हरियाणा का पूरा चुनाव घोटाला है? जब विधानसभा भंग की जाती है या तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है या कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तो कार्यवाहक बनाया गया ना ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया। हरियाणा की जनता को यह नहीं बताया गया कि चुनाव के दौरान राज्य के संवैधानिक स्थिति क्या है, क्या नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंदिरा गांधी का चुनाव सिर्फ इसलिए रद्द हुआ था क्योंकि उनके सेक्रेटरी के कार का इस्तेमाल किया था, क्या हरियाणा में सीएम ने चुनाव में राज मशीनरी का इस्तेमाल किया? तो इनका ये सवाल है कि चुनाव के वक्त भी जो है नायब सैनी सीएम रहे, क्योंकि कोई मीडिया में इस तरह की चीज़ें नहीं चली कि वो कार्यवाहक सीएम है या फिर वो जो है वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, इस तरह की कोई खबर नहीं आई। तो ये सवाल या निशान जो है कृष्णा उठा रहे हैं, कृष्णाकांत है पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मशीनरी का इस्तेमाल मुख्यमंत्री ने किया, क्योंकि जब इंदिरा गांधी का चुनाव था, इंदिरा गांधी के ड्राइवर ने जो है सरकारी कार इस्तेमाल कर ली, चुनाव रद्द हो गया था, इस तरह की बात इन्होंने यहाँ पे कही है। चुनाव रद्द हो गया सरकारी कार इस्तेमाल करने पर इंदिरा गांधी के, तो चुनाव जो है यूपी में है, यूपी चुनाव को लेकर ब्रेकिंग न्यूज क्या आ रही है? पहले भी आरोप बीजेपी में लगे थे कि बीजेपी जो है यूपी में भी चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है, कहां कि चुनाव जो है किस तारीख को होने वाला है। देखिए क्या ब्रेकिंग न्यूज है, यूपी में उपचुनाव एक हफ्ते टालने के लिए चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, तो बीजेपी जो है वो चुनाव आयोग पहुंची। बताइए आपको दिखाते हैं सुनवाते हैं वीडियोस किन के, पत्रकार माफ कीजिए महमूद पराचा के वीडियोस आप देखें किस तरह से वो जो मामला एडवोकेट महमूद पराचा की वीडियोस, वो वीडियो देखें। फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से, जब ये मशीनों की फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग होती है, मॉक पोलिंग होती है चुनाव से 3-4 महीने से पहले, उस दिन से लेके और काउंटिंग के दिन तक और उसके बाद भी कभी भी इसमें हेरा फेरी हो सकती है। एक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव आयोग बता दे कि जिसमें उन्होंने कानून का पालन किया, वीडियोग्राफी में दिखा दे, मैं हाथ जोड़ के पूरे देश से माफी मांगूंगा, वरना मोदी जी माफी मांगे, वरना चुनाव आयोग माफी मांगे। भगत सिंह ने क्या ये सोचा था कि उसका अंजाम क्या होगा? अशफाक उल्लाह खान ने ये सोचा था? तो हम लोग सोचते नहीं है, सोच रहे हैं सिर्फ इसलिए कि किस प्रकार से इन मशीनों को रोक के एक बार बैलेट से चुनाव कराया जाए, उसके अलावा हम सोचते नहीं है ज्यादा। वहीं वकील के साथ अब जो है नेता भी मैदान में कूद गए हैं, महज सिर्फ कांग्रेस ही ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया, हमने आपको पहले भी बताया, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम है, उन्होंने भी इसको ईवीएम पे सवाल उठाया, और सुप्रीम कोर्ट के वकील तो सवाल उठा ही रहे। अब देखिए एनसीपी के नेता संजय राउत सांसद है, वो क्या कह रहे हैं, देश के करोड़ों लोगों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है, इस पर सीजीआई चंचूर क्या किया? ईवीएम पे भरोसा नहीं है, सही बात है, और चंचूर रिटायर के करीब है, तो क्या चंचूर को उन्होंने क्या किया है? और क्या सुप्रीम कोर्ट के वकील जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन में जा रहे हैं, जो याचिका बार बार दायर कर रहे हैं, क्या इनको जीत मिलती है? अगर जीत मिलती है तो ये तो साफ है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिरेगी, हरियाणा में फिर से चुनाव होंगे, फिर स्थिति तस्वीर जो है बदलती हुई नजर भी आ सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील पे हमारी पूरी नज़र है कि वो क्या करने वाले हैं, क्या कदम उठाने वाले हैं, और सीजीआई रिटायरमेंट से पहले कोई बड़ा फैसला लेते हैं नहीं लेते हैं, वो भी देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से, मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा, वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताएगा कि किस तरह से जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम किया जा रहा है,
मुफ्त की रेवड़ियां जो है हरियाणा के अंदर बांटी गई और वही काम महाराष्ट्र के अंदर किया जा रहा है। लोगों को स्कीम के नाम पर पैसा पूरी तरह से बांटा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक बयान जो सामने निकल कर आया, उन्होंने बताया, दानिश अंसार ने इस बयान को पढ़ के बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात को कहा है कि मैं अपने आने वाले वक्त में ये सोच रहा हूँ कि आखिर मैंने कुछ ऐसा काम अपने पिछले वक्त में किया या नहीं जिससे मुझे दुनिया याद करे। वो कुछ एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला ले सकते हैं दोस्तों जिससे दुनिया उनको याद रखे। आखिर वो ऐतिहासिक फैसला क्या हो सकता है? क्या हरियाणा के अंदर दोबारा से उन 20 सीटों पर चुनाव दोबारा से कराए जाएंगे? क्योंकि इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं करते, खास करके लोग जो है विपक्षी नेता उस पर ईवीएम पर भरोसा नहीं करते। तो आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम को बैन क्यों नहीं कर देता? आखिर क्यों बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम को लेकर अपनी सफाई पेश करता रहता है? राजीव कुमार सर जो है वो बार बार अपनी सफाई को पेश करते हुए नजर आते हैं। आखिर क्यों जनता जिस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है उसी से बार बार क्यों चुनाव किए जा रहे हैं? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं। तो महमूद पराचा, भानु प्रताप सिंह, धनंजय सिंह और काफी ऐसे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं जो सड़कों पर अपना धरना प्रदर्शन जारी किए हुए हैं और सीधे तरह से मोदी सरकार को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं कि 20 सीटों पर दोबारा से हरियाणा के अंदर चुनाव कराना पड़ेंगे। जिन सीटों पर ईवीएम पकड़ी गई है, 90% चार्ज पकड़ी गई है या 90% से ज्यादा चार्ज जो है पकड़ी गई है, उसमें सिर्फ बीजेपी के ही वोट पाए गए हैं। तो ये जो है हरियाणा के अंदर भी मोदी की राह आसान नजर नहीं आ रही है, बीजेपी की राह आसान नजर नहीं आ रही है, ऐसा दानिश अंसार का कहना सामने निकल कर आया। दानिश अंसार कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर मोदी जी की राह जो है पूरी तरह से आसान नहीं है, डगर जो है वो डगमगा सकती है। दोस्तों बाकी आप लोगों के सामने इस पूरी रिपोर्ट को रखा, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच का साथी बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।